मुख्यमंत्री मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुख्यमंत्री मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मुर्दाबाद, राष्ट्र मंत्री मुर्दाबाद। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऐसा एक भारत में। आरा भोजपुर बिहार में जिस तरीके से चमकी बुखार ने दस्तक दी है उसके बाद यहाँ के लोगों में आक्रोश है। और बिहार की बात करें जहाँ तक, तो बिहार के भोजपुर में अकेले ही 140 बच्चों की जान जा चुकी है। वहीं दूसरी तरफ बात करें सूबे के मुख्यमंत्री की, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री की, केंद्रीय राज्य स्वास्थ्य मंत्री की, बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री की, तो आपने टेलीविजन के माध्यम से देखा होगा कि किस तरीके से प्रतिक्रिया दी जा रही है और किस तरीके से वहां के व्यवस्थाओं को मीडिया तक नहीं पहुंचने की बातें की जा रही है। कहा जा रहा है कि अगर मीडिया वहां जाती है तो वहां के डॉक्टरों को तकलीफ होती है, वहां के डॉक्टर सुचारू रूप से इलाज नहीं कर पाते हैं, लेकिन मीडिया वही दिखाती है सच्चाई जो आप तक नहीं पहुंचती है। वहीं दूसरी तरफ बात करें हमारा भोजपुर बिहार की, तो आरा में कल यानी कि 18 तारीख को यहां पे भी चमकी बुखार ने दस्तक दे दिया है। चमकी बुखार का नाम AES है, जिसको हम यहां के गांव के भाषा में चमकी बुखार कहते हैं। वहीं 3 वर्षीय लड़की जो कि आरा सदर हॉस्पिटल में भर्ती होती है और इसके बाद वो पटना रेफर कर दी जाती है बेहतर इलाज के लिए PMCH। लेकिन ये सब हो रहा है बिहार में, इतनी सारी जाने जा रही हैं, उसके बाद भी स्वास्थ्य व्यवस्था किस तरीके से नजर आती है वो आप खुद ही देख लीजिए। दूसरी तरफ बात करें आरा भोजपुर बिहार में, हमारे साथ यहाँ पे जाप के स्टूडेंट इकाई के लोग हैं, जिला अध्यक्ष हमारे साथ हैं जाप के, तो चलिए इन लोगों से हम बात करेंगे। इन लोगों ने आज पुतला दहन किया है नीतीश कुमार के साथ साथ। मंगल पांडे जो कि सूबे के, बिहार सूबे के स्वास्थ्य मंत्री कहलाते हैं, उनका भी पुतला दहन किया। आखिर ऐसा क्यों किया और क्या ये भी राजनीति कर रहे हैं, विपक्ष भी राजनीति कर रही है, क्या होना चाहिए सही और क्या होना चाहिए गलत, चलिए इनसे भी जानते हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल पे, और क्या आप लोग भी राजनीति कर रहे हैं, इस तरीके से पुतला दहन कर रहे हैं, व्यवस्था क्यों नहीं सुधरवा रहे हैं? जन अधिकार छात्र परिषद कभी भी और जन अधिकार पार्टी राजनीति नहीं करती है। इस राजनीति में बैठे हुए गंदगी को, इस सिस्टम में बैठे हुए गरीब लोगों के जहां भी अत्याचार होता है वहां जन अधिकार पार्टी के इनकलाबी साथी दल बल के साथ खड़ा होता है। मैं इस तमाम बातों पर नहीं जाना चाहता हूं। आज सवाल है कि यहां के बिहार के गरीब दलित शोषित जिसके पास पैसे के अभाव है, वह हर रोज हर घंटे उनके बच्चे की जान जा रही है, उनके घर के ननिहाल की छाया उठ रही है। लेकिन यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री जब मीडिया का दबाव आया तब कल गए, 22 दिनों से यह प्रकोप है दोस्तों, 300 नवयुवाओं की और बच्चों की जान जा चुकी है। हमारे पार्टी के माननीय सांसद पप्पू यादव ने सबसे पहले जाकर उस गरीब उस दलित उस शोषित लड़कों से भेंट किया, तब जाकर मंगल पांडे को होश आया, छात्र विंग के लोगों ने उनके गेट को बंद किया, तब जाकर मंगल पांडे उठे और गए। सवाल यह नहीं है, सवाल साफ शब्दों में है कि कब यह स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक होगा, कब गरीब का सही इलाज होगा, कब उनकी जानें बचेगी। इसलिए आज उन कुकर्मी नींद में सोए हुए सत्ता से अहंकारी लोगों को आंख खोलने के लिए आज जन अधिकार छात्र परिषद भोजपुर इकाई के द्वारा पुतला दहन किया गया है। यह माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे का पुतला दहन किया गया। वहीं दूसरी तरफ हम बात करें बिहार के मुजफ्फरपुर में ही अकेले 140 बच्चों की, लगभग 140 बच्चों की मौत की पुष्टि कर दी गई है। और वहीं दूसरी तरफ बात करें जो गैर सरकारी आंकड़ा दिखाया जा रहा है, जिस जो सरकारी आंकड़ा में नहीं है, जो बात की जाए कि SKMCH और केजरीवाल हॉस्पिटल में जो बच्चे नहीं पहुंच पा रहे हैं, वो जो घर पर दम तोड़ दे रहे हैं या प्राइवेट हॉस्पिटल में दम तोड़ दे रहे हैं, वो कई ज्यादा आंकड़ा है। तो ये आंकड़ा जो है 1990 से ही इसकी जो प्रचलन है ये चलते आ रही है। 2014 में बहुत ज्यादा त्रासदी हुई थी, 140 के लगभग उस समय भी बच्चे मरे थे, 300 से ज्यादा बच्चे भर्ती भी हुए थे, लेकिन जो व्यवस्था है वो कैसे सुधरनी चाहिए, क्या होना चाहिए, अभी तक पता ही नहीं चला कि आखिर रोग क्या है।
देखिए आपने पहले तो शब्द में पूछा कि विपक्ष का आप लोग राजनीति कर रहे हैं, हम लोग राजनीति नहीं कर रहे हैं। जब राज्य सरकार स्वास्थ्य विभाग को जो स्वास्थ्य व्यवस्था को सुधार देती है, हम लोग राजनीति क्यों करते हैं? जाइए सदर हॉस्पिटल का हाल देखिए, फर्स्ट पर इलाज हो रहा है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का हाल देखिए, ताला बंद करके डॉक्टर गए हैं अपने घर। पीएमसीएच का हाल देखिए, आईजीएमएस का हाल देखिए, आईजीएमएस में आईसीयू में मात्र 6 बेड है। और मंगल पांडे कहते हैं हम स्वास्थ्य में सुधार कर दिए। मुजफ्फरपुर में आज ही नहीं 6 वर्ष पहले यह बीमारी आई थी, माननीय सांसद ने लोकसभा में उठाने का काम किया था, बोला था कि इस पर शोध कीजिए, लेकिन आज तक कोई सरकार इस पर कोई पहल नहीं किया, उसका नतीजा आज भुगत रहा है। दोषी कौन? दोषी राज्य सरकार और केंद्र सरकार है। दोषी तो राज्य तो कह रहे हैं कि हम तो शोध कर रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार के इशारे पर पूरा सिस्टम चल रहा है। उन्होंने ये भी कहा है कि हम कमेटी, डॉक्टरों की कमेटी भेजे हैं और वो शोध करने में लगी हुई है और जांच भी कर रही है। नहीं, 6 वर्ष पहले कहा थे सवाल जन अधिकार पार्टी का यह है कि 6 वर्ष पहले वो तो कह रहे हैं 2014 से नहीं, उससे पहले से हो रहा है। नीतीश कुमार जब 99 में रेल हादसा हुआ था तो इस्तीफा दिया था, आज बिहार के 200 बच्चे मर गए हैं, इस्तीफा दे देना चाहिए नीतीश कुमार को। बिहार की जनता यह सवाल कुछ नहीं चाहती। नैतिकता के आधार पर नीतीश कुमार को और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे को बिहार से के नैतिकता के आधार पर बिहार के सामाजिक हित में इस्तीफा देकर बिहार को या जनता को बताना चाहिए कि हम जनता के प्रति जागरूक हैं, जनता के प्रति संवेदनशील है। यहाँ पे इन्होंने तो कह दिया कि नीतीश कुमार का इस्तीफा दे देना चाहिए। चलिए अब हम बात करेंगे, यहाँ पे जिला अध्यक्ष हैं हमारे साथ और इनके पास अब अंत में इसलिए आया है कि इनसे जानकारी लेंगे कि जो आप अभिभावक भी हैं इन लोगों के, आपके निर्देशानुसार काम भी होता है काफी सारा, क्या लगता है जिस तरीके से आप लोगों ने आज पुतला दहन किया और इसके पहले कई सारे बच्चों की मौत हो, आप अभी क्यों जागे, इतने लेट क्यों जागे? आप तो पहले भी कर सकते थे ये काम। हम लोग के माननीय सांसद पप्पू यादव जी के द्वारा जब ही मुजफ्फरपुर में ऐसी घटना घटी तो वहाँ पर सारा कार्यक्रम लगातार हो रहा है। पटना में मंगल पांडे जी का आवास को घेरना, मंगल पांडे जी को काला झंडा दिखाना, लगातार कार्यक्रम चल रहा है। वहाँ के बाद आदेश आया कि नहीं, आराम में भी चमकी बुखार दस्तक अपना दे चुकी है, वहाँ के कल बच्चे भी मरे हैं, कई बच्चे इसके गंभीर बीमारी से पड़े हुए हैं, कितने लोगों के यहाँ से रेफर कर दिया गया। तब लगा कि नहीं भाई, वहाँ पर नहीं, अब यहाँ पर भी स्वास्थ्य को जागरूक करना है। हम लोगों ने इसीलिए चाहा कि जो सरकार है, जो पूरी तरह से सोई है, सत्ता के चूर में सोई है, वो नींद जगने वाली नहीं है, कुंभकर्म से भी बढ़ के इनकी नींद लगी हुई है। इसलिए इनको नींद जगाने के लिए हम लोग भोजपुर जिला में यहाँ के छात्र इकाई को बुलाकर सारे लोगों को संगठित कर हम लोग सरकार को जगा। आरा सदर हॉस्पिटल गए अभी तक? आरा सदर हम लोग आरा सदर अस्पताल में हम लोग गए थे कल, हमारा की टीम गई थी, सारा देखे, डॉक्टर को भी हम लोग बोले थे कि भाई देख लिया लगा व्यवस्था कैसा है। व्यवस्था साफ़ नीचे मैंने फर्श पर जमीन पर लोगों को मैंने इलाज किया जा रहा है। कुछ कार्रवाई किया आप लोगों ने? कुछ ये किया उन लोगों के विरुद्ध में? कुछ बातें की आप लोगों? सीएस से बातचीत करने के दौरान आश्वासन दिया कि हम पूरी तरह से अथी कर रहे हैं, सरकार का सिर्फ वो लोग मलाल देकर कर रहे हैं कि सरकार की तरफ हमारी व्यवस्था नहीं मिल रही है, हम क्या करें, हम उसमें क्या इंफ्रास्ट्रक्चर जो है हमको सरकार नहीं दे पा रही है, वो सरकार की रोना रो रहे हैं और सरकार डॉक्टर की रोना रो रही है। अब डॉक्टर के सीधे साफ तौर पर कहा है कि हमारे यहाँ 3 डॉक्टर हैं। अब बताइए इतने बड़े पैमाने पर मुजफ्फरपुर में इतने बड़े पैमाने पर बच्चे भर्ती हैं, इतने गंभीर बीमारी से लगातार मरते जा रहे। सरकार तो ये कह रही है कि 45 डिग्री पारा हो गया है, गर्मी का प्रकोप है, ये आपातकाल की स्थिति है, इसमें सरकार बस काम ही कर सकती है, काम करने दिया जाए और उनको मतलब आप लोग भी साथ दे, तो इस पे आप लोगों का क्या कहना है? आखिर हम जानना चाहते हैं सरकार से, ये गरीब बच्चों जो मध्यम वर्गीय परिवार है, गरीब बच्चे हैं, उन्हीं के साथ क्या होता है बार बार? ये कोई नई नहीं है, और जिले में भी है, गया जिले में भी है, औरंगाबाद जिले में भी, कहाँ चमकी बुखार है, कहाँ वहाँ के बच्चे? मुजफ्फरपुर में ही बार बार 300 उसे समय 4 साल पहले भी मरे थे, 200 उसके बाद मरे थे, मैंने लगातार आपको प्रत्येक गर्मी में आपको आप रिसर्च। क्या चाहते हैं आप, क्या होना चाहिए? चाहते हैं कि आप अच्छे डॉक्टर की व्यवस्था करें, जो अच्छे गुणवत्ता के हो, जैसे एम्स में जिस तरीके से डॉक्टर हैं, उस तरीके के डॉक्टर यहाँ पर स्थापित करें, उसको जांच करें कि किस कारण से इतने बड़े पैमाने पर मौत हो रही है, उसका कारण क्या है, उसका दवा का सुविधा दीजिए। दवा का सुविधा नहीं है किसी सर अस्पताल में, जी बाहर से मंगाना पड़ता है। चलिए धन्यवाद। तो यहाँ पे तो ब्रजेश सिंह ने जो कि जिला अध्यक्ष हैं जाप के, इन्होंने खुलकर बोला है, दूसरी तरफ नीतीश यादव ने, इन्होंने तो कह दिया कि नीतीश कुमार को नैतिकता के आधार पे इस्तीफा दे देना चाहिए। दूसरी तरफ बात करें सुजीत कुशवाहा जो कि वीर कुंवर सिंह के यूनिवर्सिटी अध्यक्ष है, इन्होंने खुलकर बोला है और कहा है कि जिस तरीके से चमकी बुखार दस्तक दी है, हम लोग चुप नहीं बैठेंगे और हम लोग खुलाबंद आंदोलन जारी रखेंगे। अगर आपको खबर और इनकी बेबाक राय पसंद आए
तो इस खबर को खूब सारा शेयर करिए। और हम जाते जाते एक और भी अपील करेंगे कि जितने भी बिहार के लोग हैं, खासकर मुजफ्फरपुर, गया, औरंगाबाद, आरा, सासाराम, जहां जहां चमकी बुखार ने दस्तक दी है या लू ने दस्तक दी है, वहां पे लोगों को हम अपील करेंगे कि वो घर से कम निकले, और साथ ही साथ बच्चों को, बच्चे के खान पान पर ध्यान दे, विशेष रूप से पानी खूब पिलाए, ओआरएस का घोल जो होता है उसको दे, जिससे कि लू ना लगे, डिहाइड्रेशन का प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। इसी उम्मीद के साथ हम आपसे अलविदा लेते हैं। अगर ये खबर पसंद आए तो आप इस खबर को खूब सारा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। धन्यवाद आप सभी का।